हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं बात कर रहा हूँ अली रामी और आप देख रहे हैं एयर बर्ड्स मेरे यूट्यूब चैनल। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से पहले जाके सब्सक्राइब कर दे। व्लॉग में हमारे साथ हमाद भाई भी हैं। हमाद भाई हेलो हेलो कर दो मेरी ऑडियंस को। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं आप? यार मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं ना ये सारा सेटअप चेंज करके न्यू सेटअप बनाने वाला हूँ। ये देखें जी, पहले हमारा टोटल सेटअप मैं आपको टोटल दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे नीचे सारे तितर शितर हमने रखे हुए हैं, वहाँ पे कॉकटेल्स हैं और ये रिंगनी का बड़ा सारा केज बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमने चाइना डव रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा पास से। जो है वो यहाँ पे खुले आम घूम रहे होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें तो ऊपर भी हमने फुल जाली लगाई हुई थी, ऊपर से फुल कवर्ड था। और पिछली जो मेरी साइड आपको नज़र आ रही है, ये हमने पूरा बरामदा टाइप से बनाया हुआ था ऐसे। और यहाँ पर नीचे ये तितरों के जोड़े छोड़े हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये केजेस हम लेके आए थे अलग अलग करने के लिए कि हम अपने जोड़ों को ना अलग अलग इनके अंदर रख लेंगे, लेकिन वो ना हमारा सीन ही कुछ ऐसा नहीं बना क्योंकि हमारे पास केज ज्यादा ही हैं पहले ही। और नीचे सारे तितर वगैरह हैं और ऊपर फिंचेस रखी हुई हैं, तो इसलिए ना यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल सा नहीं था, जगह थोड़ी पड़ रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि यार सारा कुछ तोड़ फोड़ के हर चीज़ न्यू बनाई जाए। अब मैं बड़ा प्यारा सा सेटअप बनाने वाला हूँ और आप सब मुझे आइडियाज़ दीजिएगा कि किस तरह से बनाएं, इनको कॉलोनीज में शिफ्ट करें या केज बाय केज या कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर देखा था बहुत प्यारे प्यारे सेटअप बने हुए हैं। तो आप सब ने व्लॉग मेरे डेली देखा करने हैं, बहुत सारे न्यू व्लॉग आने वाले हैं जिनमें मैं अपना पूरा सेटअप ये वाला चेंज करके ना बहुत अच्छे वाला सेटअप न्यू बना दूंगा। सॉरी भाई, जो हमारी मोनी ने अंडे दिए हुए थे उनका क्या बना, आपने चेक किए बच्चे निकले कि नहीं उनमें? नहीं यार, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। ईद वाले दिन क्या डेट बंदी है? ईद वाले दिन, अच्छा ईद वाले दिन वो पहले दिन जो कुड़क हुई थी ना, जिसे हम कुड़क होना कहते हैं, मोरनी और जो मुर्गी बैठी थी, मुर्गी के नीचे 7-8 अंडे मुर्गी के नीचे थे और मोरनी ने 3-4 दे के मोरनी ऊपर बैठ गया पिंजरे के अंदर, मतलब 8-10-12 हो गए। मुर्गी के रहते हैं नीचे रखे हुए, मोरनी रहता अंडे पे बैठ। हाँ, दोबारा अंडे दे के ना उसके नीचे बैठ गए। तो हमारे भाई ईद वाले दिन से हिसाब लगा लो 21वें दिन बच्चे निकल रहे हैं हमारे। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे हम, वो हम नेक्स्ट व्लॉग में चेक करके आएंगे कैंडलिंग करके ना, कि बच्चे बच्चे बने हैं बन रहे हैं उसके अंदर या खाली ही निकले हुए हैं अंडे, तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में चेक करेंगे। भाई अली, मुझे लग रहा है आपने 30-40 बच्चे सेल कर लिए हैं, बताएं जरा। ये नहीं बताया आपने ऑडियंस को कितने बच्चे सेल कर लिए। मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ, आपने शायद वो पोस्ट नहीं पढ़ी होगी। मैंने अभी तक ना 60,000 रुपया तकरीबन कमा लिया है अपने रिंगनी के बच्चों से। आज हम बाकी अंदर जाके चेक करके आते हैं कितने बच्चे अभी अंदर पड़े हैं। तो अली भाई, अब गाड़ी नहीं ले रहे ना हम यार, स्टार्ट करने लगे। हाँ जी, अब हम गाड़ी वाड़ी नहीं ले रहे हैं, पैसे भी थोड़े थे, 2-4 लाख रुपया समझो आएगा मेरा टोटल। वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से मैंने यहाँ से पैसे कमाने हैं और कितने पैसे, अपने सारा व्लॉग एंड तक देखा करना है। गाड़ी नहीं आएगी लेकिन हम न्यू सेटअप बना रहे हैं, बहुत खूबसूरत रख के बनाएंगे। अंदर हम बर्ड्स भी लेके आएंगे। हाँ, न्यू बर्ड्स भी लेके आएंगे और फुल कलर शलर कर देंगे, खूबसूरत मजेदार। हमारे मोर साइड रखे हुए नानो घर, वो भी हम उठा के ले आएंगे यहाँ पे। कि आज हम बिगिनिंग के बच्चे चेक करेंगे कि वो स्पेशल लोग आएगा उसका? नहीं, आज हम सिर्फ कॉकटेल के बच्चे इधर उधर करेंगे, ताकि जो जिसने 2-3 दिए हैं उठा उठा के 5-5 कर देंगे, उनके भी चेक करेंगे कितने दे लिए। हाँ, कितने दिए हैं। और बाकी रिंगनिक का पर्सनल फ्राइडे वाले दिन व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो वो आपने खुद बात करना है। स्पेशल वाला व्लॉग रिंगनिक का व्लॉग फ्राइडे वाले दिन आएगा ना, तो फिर ही हमें पता चलेगा। 60-70 हज़ार तकरीबन मैंने कमा लिया है, बाकी अब जाके पता चलेगा अंदर जाके कि और कितने हमारी फैक्ट्री में पैसे बने पड़े हैं। अब भाईजान, हम कॉकटेल के पिंजरे के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कितने बच्चे बच्चे इनके पड़े हैं। ए हूँ, बल्ले बल्ले बल्ले, नहीं नहीं बच्चा तो नहीं है, बड़े हैं, बड़े हैं ये बल्ले, ये खुद माँ बाप बने हुए हैं। हम जी आ गए हैं कॉकटेल के पिंजरे के अंदर, चलो तू भी उधर चला जा। ये भी इस तरह चला गया, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ये तो खाली है जी, और यहाँ पे फीमेल बैठी हुई है, अगर हम कोशिश करें। अरे ये क्या एक ही बच्चा निकाला हुआ है, बाकी इतने सारे अंडे सारे खराब भी हुए हैं इसने। ओए, ये तो गलत बात है यार। अब हम चेक करते हैं, देखते हैं बच्चे बच्चे निकले हैं या नहीं इसमें। ओ खाली पड़ा है यार ये, इसके बच्चे मेरे घर में उधर उठा के हमने रख दिए थे, और यहाँ पर एक बच्चा निकला हुआ है, बाकी अंडे खराब है। मेरी यहाँ पे लड़ाई हो रही है ये। हाँ, ये ब्लैक वाले कबूतरों का घर है, वो दूसरा उनके घर आ गया, अब मार रही है वो उसे। ओए, जब तक निकालेंगे वो आपस में भी लड़ रहे हैं, नहीं नहीं मार उसे ही रहे हैं दोनों आपस में, उनको पता नहीं चलता। दोनों देखो हस्बैंड वाइफ मार रहे हैं बेचारे को। सारे ठीक ठाक हो आप? खाना शाना आपको सही मिल रहा है? हाँ भाई सही मिल रहा है। काट ही ना दे ये। ये वाला जो बॉक्स है जी यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। और यहाँ पर जी 3 अंडे पड़े हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ अगर नज़र आ जाए। वो देखें जी अंडे पड़े हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें जी, तो यहाँ पर बच्चे हैं और 2-3 बच्चे हैं। मैं सारे बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। OMG,
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये एक वाइट है और रेड आईज में है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत बेबी निकला हुआ है। और बाकी कॉकटेल्स के ये बच्चे देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इन बच्चों को दोबारा वहीं पे रख देंगे, चलो ये उठाए नहीं जा रहे मेरे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कॉकटेल ने जो है तीन चार बच्चे निकाले हुए हैं, और एक तो एक फीमेल तीन अंडे दे के बैठी है, और जिसने बच्चे निकाले हुए ना वो भी दोबारा भी अंडे अंडों पे बैठ गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर अब गिव अवे जो अगला होगा ना वो 20,000 सब्सक्राइबर पे होगा, जल्दी जल्दी मेरे 20,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दो अब। अच्छा तो अभी ना हम सारा ये जो हमारा घर है, नीचे मेरा घर है ना, और ये ऊपर वाला सेटअप सारा तोड़ के हमने यहाँ पे बिल्कुल न्यू घर बनाना है, और ऊपर बड़ी सारी छत बनानी है ताकि उस पर ना हम अपना सेटअप वगैरह जो है बड़ा खूबसूरत सा बना सकें। सेटअप तो हमने बनाना है अच्छा सा। हाँ तो हम बस का क्या करेंगे, इनको कैसे लेके जाएंगे, इनको रखेंगे काम पे? अभी तो इन्होंने एग्स वगैरह भी दिए होंगे। यही मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा ये अपने अंडे शंडे दे के फारिग हो जाए, उसके बाद हम एक बना देंगे बड़ा सारा ना, हम सारे के घर या किसी के भी यहाँ पे आस पास या वो आता है जहाँ पे हमने मोर रखे हैं नानों के। हाँ वहाँ पे भाई जन जगह बना के ना सारे एक ही पिंजरे में शिफ्ट कर देंगे, और महीना डेढ़ दो तीन जब तक मकान बन जाएंगे हमारे तब तक वहाँ पे रह लेंगे ये, बस अंडे अंडे दे के फारिग हो जाए, उसके बाद हमने यही काम करना है। तो वैसे यार ये बात मैंने सोची नहीं थी, बाकी इनको शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होगा ना हमारे लिए। इतने सारे बर्ड्स हैं, अकेले अकेले को पकड़ना, उसके बाद लेके जाना, वहाँ पे छोड़ना, फिर वहाँ पे बड़ा लड़ेंगे ना साथ, लड़ाई भी करेंगे अगर एक केज में डालेंगे ना, उसके अंदर छोड़ेंगे ना सारे। हाँ तो भाई ये बड़ी प्रॉब्लम, आप बताओ यार इनको कैसे मैं कहीं पे शिफ्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? कोई ना कोई सेटअप करेंगे यार, टेंशन नहीं लेनी बस। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम इनको कैसे शिफ्ट करें, वहाँ पे मास्टर केज में रखें या इनको लेदर केजेस में रखें। उमाद भाई नीचे जाओ यार, फ्रूट श्रूट लेके आओ हमारे लिए, भागे जाके जाके लेके आओ, पैरट को डालने हैं यार, जाओ जाओ भागे लेके आओ जाओ जाओ। तो अभी ना हम अपने स्टोर पे बैठे थे मेडिकल स्टोर पे, वे कबूतर उड़ गए, तो वहाँ से ना हम आते हुए ना फ्रूट श्रूट लेके आए हैं, हमाद भाई कब लेने भेजा, हम पैरट को डालते हैं। आगे हमाद भाई जी जी फ्रूट आगे माशाल्लाह, चलो आओ अब रिंग निक को डालते हैं, थोड़ा सा शुगर मिला लगाते हैं, देखना कितने खूबसूरत से लगते हैं। हाँ कोई ना कोई कपड़ा ना लंडे से मिल जाता है यजमान से, लेकिन अभी तो हम शिफ्ट कर देंगे ना इसलिए। हाँ शिफ्ट कर देंगे, वहीं पे ऊपर लगाएंगे। हाँ एक खरबूजा इनका है और एक इस साइड वालों का है, ये देखो, बाकी अमरूद डाल रहे हैं। ये जी रेडी हो गया सामान, अब ये रिंगने के पिंजरे के अंदर हम रखने लगे हैं, देखना इनकी खाने की स्पीड। ये तो ज्यादा हो रही है, कैसे इनको आप ज्यादा अमरूद डालें या उनको कम डालें? नहीं भाई इस साइड है ही ज्यादा जोड़े, इस साइड 16-17 जोड़े हैं, उस साइड 10-12। बोले 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 ये रख दिए भाई यार। ओए अब इनकी थोड़ा सा दूर जाएंगे ना फिर खाना ये शुरू करेंगे, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं यहाँ। यार वीडियो बनाते हुए मुझे पसीने आ रहा है, तोतों का बुरा हाल होता होगा, तो इनके लिए छांव का इंतजाम करना बड़ा जरूरी हो गया। वैसे तो अगर देखा जाए ना तो हाफ हाफ तक से छांव है उनके ऊपर, लेकिन वो ना उस साइड ज़्यादा धूप है। एक सेकेंड मैं इसे ना थोड़ा सा ना छेड़ूंगा ना तो ये देखना काटेगा मुझे। माफ की सर पे नहीं बैठना भाई, यहाँ पे आओ यहाँ पे ये खाओ काम। देखो आप जानते हैं इसका नाम शेरू रखा है, मैंने थोड़ी सी कटिया छाटियाँ करने लग गया, लेकिन अब हमने इसे ट्रेनिंग श्रेनिंग थोड़ी सी दे दी है और ये सारे काम आज के निपट गए हैं हमारे। या जैसे आप सब लोग देख रहे हैं इनको कैसे गर्मी लग रही है, तो आप सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है व्यू वीडियो को, ताकि हम जल्दी से जल्द इनके एसी लगवा के दें। इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड, ख्याल रखिए आप सब, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।